हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। दोस्तों, डीएनएस के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएफए एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो में हम एमजीकेबीपी के बीएफए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का दोस्तों क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कराएंगे। ये दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर है ये 2020 यानी कि 2020 एंट्रेंस एग्जाम का है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कराने से पहले यहाँ पे दोस्तों जो दो से तीन बातें इंपॉर्टेंट है आप सभी, वो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप बीएफए एंट्रेंस एग्जाम दोगे काशी विद्यापीठ, तो दोस्तों आपको बीएफए एंट्रेंस एग्जाम में आपको टोटल 100 क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों उन 100 क्वेश्चन को 100 प्रश्न को करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम एंट्रेंस एग्जाम में दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें हम, तो 400 का ये क्वेश्चन पेपर होता है। यानी कि दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है। यानी दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन को सही करेंगे तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ ये है काशी विद्यापीठ के बीएफए एंट्रेंस एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरे यहाँ पे जो है कि अनुदेश में लिखा हुआ है दोस्तों कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तथा सबके अंक समान हैं, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। यानी दोस्तों लिखा है यहाँ पे कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स, देयर डोंट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दो से तीन जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दिया कि बीएफए एंट्रेंस एग्जाम में काशी विद्यापीठ के 2 घंटे का पेपर होता है, उसमें 100 प्रश्न आते हैं और 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है। यानी दोस्तों ये सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए है कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि जय कातितकर संबंधित है, यानी कि जय कातितकर इज रिलेटेड विथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है कि राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वास्तुविद। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है इसका दोस्तों राइट आंसर ई होगा। हालांकि दोस्तों किसी ने टिक किया हुआ एक दोस्तों ये रॉन्ग आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरह मूव करते हैं। ये दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर आपका बी सेकेंड है, ये दोस्तों कह रहा है कि ए रामचंद्र का जन्म किस राज्य में हुआ था। यानी कि ए रामचंद्रन वॉज बॉर्न इन विच स्टेट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर होगा बी, यानी कि केरला में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड है, ये कह रहा है कि वाटर लिली है। दोस्तों वाटर लिली इज, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका फोर है और ये कह रहा है फोर क्वेश्चन नंबर कि कोहबर किस राज्य की एक प्रसिद्ध कला है। यानी कि कोहबर इज फेमस आर्ट फ्रॉम विच स्टेट। सो क्वेश्चन नंबर दोस्तों फोर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, यानी दोस्तों फोर का राइट आंसर आपका ए होगा, उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है, ये दोस्तों कह रहा है कि कोदंड का शाब्दिक अर्थ होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो फाइव कह रहा है कि द वर्ड कोदंड स्टैंड ऑफ फॉर। सो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि आपका तीर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट और वो है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ये कह रहा है कि बाउल का संबंध है, यानी कि बाउल इज रिलेटेड विथ। सो क्वेश्चन नंबर एक दोस्तों सिक्स का राइट आंसर आपका होगा ए, यानी कि लोकगीत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और ये है दोस्तों आपका सेवन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेवन कह रहा है कि डॉक्टर अभिनव गुप्ता किस विश्वविद्यालय से संबंध थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जो सेवन है इसका राइट आंसर आपका होगा बी, यानी कि इलाहाबाद, यानी कि डॉक्टर अभिनव गुप्ता वास रिलेटेड विद विच यूनिवर्सिटी। दोस्तों इसका होगा इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी से। क्वेश्चन नंबर आपका एट है, दोस्तों कह रहा है कि सोनम सेरिंग लेपचा किस कला के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि संगीत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका नाइन है और ये कह रहा है कि सारनाथ किस राज्य में है। यानी दोस्तों सारनाथ इज इन विच स्टेट। तो दोस्तों ये तो काफ़ी ही देखे तो आसान सा सवाल है, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका टेन है, ये कह रहा है कि डॉक्टर ऑफ सॉइल के लेखक कौन, यानी कि
इज द ऑथर ऑफ डॉक्टर ऑफ सॉयल? सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका वो डी, यानी कि सुधीर रंजन खास्तीगीर। क्वेश्चन नंबर आपका 11th दोस्तों, ये कह रहा है कि कंधार अवस्थित है, यानी कि कंधार इज सिचुएस्टेड इन, सो कंधार जो आपका ये अफगानिस्तान में है। यानी कि दोस्तों 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि दोस्तों जो कंधार है, दोस्तों कंधार जो एक जो प्लेस है ये आपका अफगानिस्तान में, यानी कि अफगानिस्तान में स्थित है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को कराने से पहले यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप डे नाइट स्टडी चैनल पर नए हैं दोस्तों, DNS पे अगर आप दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि दोस्तों काशी विद्या पीठ से संबंधित आपको नोटिस न्यूज और अपडेट मिलते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरह मुख्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 कह रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर अवस्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर होगा उज्जैन, यानी कि 12 का दोस्तों राइट आंसर आपका बी उज्जैन, यानी दोस्तों महाकालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन, ये आपका होगा उज्जैन। उज्जैन यानी कि ये वाला सॉरी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये दोस्तों 13 है, कह रहा है कि वह कौन सी गुफा है जिनमें भारतीय कला का धार्मिक वैधीय निरूपित हुआ है। यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नेम द केव विच रिप्रेजेंट रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका दोस्तों राइट आंसर ए होगा, यानी कि एलोरा गुफा जो है गुफाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका जो है 14वां है, और ये कह रहा है कि कौन सा रंग संत को प्रदर्शित करता है, यानी कि संत इज कैरेक्टरिस्ट बाय विच को विच कलर्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आपका डी, यानी कि सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 15 है, ये कह रहा है कि राजा रवि वर्मा को जाना जाता है, यानी कि राजा रवि वर्मा वाज नोन एज नोन फॉर। सो क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि तेल चित्रकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है ये 16वां है, और ये कह रहा है कि इनमें कौन सा रेखा का गुण नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट द ट्रेट ऑफ लाइन। सो क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों राइट आंसर आपका जो है कि हो जाएगा सी, यानी कि घनत्व। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 17 है, और ये कह रहा है कि कला में अनुकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इमिटेशन इन आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि अरस्तू ने। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, और ये दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सी पत्रिका कला का जनरल नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ दिस मैगजीन्स इन। सो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 का 18वां का राइट आंसर आपका होगा हंस, यानी कि ए वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काशी विद्यापीठ के दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी होते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए दोस्तों, और सारे क्वेश्चन को दोस्तों लर्न करने का प्रयास करिए। और दोस्तों इस वीडियो पे अगर अधिक से अधिक लाइक्स आते हैं तो एक आध दो सालों के क्वेश्चन पेपर आपके लिए और भी हम सॉल्व कराएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरह मूव करते हैं, ये कह रहा है दोस्तों किसे आधुनिक कला का पिता कहा जाता है, यानी कि हु रिसिप्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि संजा, यानी कि सेंजा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये आपका 20 है, 20वां है कि पेंसिल लेड है, यानी कि पेंसिल लेड इज। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20, यानी कि 20वां का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 है, ये कह रहा है कि भारत भवन कहाँ अवस्थित है, यानी कि वेयर इज द भारत भवन सिचुएटेड एट। सो क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि दोस्तों 21वां का राइट आंसर आपका हो जाएगा भोपाल, सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 यानी कि 22वां, ये कह रहा है कि इनमें से कौन 3D कला के अंतर्गत है, यानी कि विच वन ऑफ दिस कम अंडर 3D आर्ट। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22वां का राइट आंसर आपका होगा डी, यानी कि मूर्ति कला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 है दोस्तों, कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्र मोनोलिसा का संबंध किस देश से है, यानी कि टू विच कंट्री डज द मोनोलिसा द फेमस पेंटिंग बिलोंग। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि इटली से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। और दोस्तों ये कह रहा है कि मोनालिसा बनाया गया था, यानी कि मोनालिसा वाज मेड बाय। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2019 और 18 में पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर इस वीडियो मैक्सिमम लाइक चाहते हैं तो हम आपके लिए 2019 और 18 के पेपर का भी सोल्यूशन कराने का प्रयास जरूर करेंगे। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 24 का आपको राइट आंसर बताते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका सी हो, यानी कि लियोनार्डो द विंची द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, दोस्तों ये कह रहा है कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग प्रिंटिंग में कौन सी प्रविधि का निषेध है, यानी कि इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग प्रिंटिंग विच मेथड इज एवॉइडेड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि फेस्को पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 26, और ये कह रहा है कि मंसूर था, यानी कि मंसूर वास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर दोस्तों होगा ए, यानी कि आपका ए वाला पक्षी चित्रकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 27 कह रहा है गीतांजलि के रचनाकार कौन, यानी कि हु ऑथर्ड जो है गीतांजलि। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि आर एन टैगोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वो दोस्तों आपका 28 कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, यानी कि वेन वॉज लॉर्ड बुद्धा बोर्न। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का जो है कि राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 563 BC। क्वेश्चन नंबर BC। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट वो कह रहा है कि 29 नंबर है, कह रहा है कि रणवीर सिंह बिस्ट संबंधित थे, यानी कि रणवीर सिंह बिस्ट वॉज रिलेटेड फ्रॉम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका बी, यानी कि यूपी से, उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपका 30 है, कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहां शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की थी। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 13 का यानी कि 30वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मथुरा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 है, ये कह रहा है कि सुदर्शन पटनायक है, यानी कि सुदर्शन पटनायक इज अ, तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि बालू जो है चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 32 और ये कह रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक रंग है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी कलर। सो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि लाल, ये आपका प्राइमरी कलर के अंतर्गत आता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन 33 नंबर है, ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी, यानी कि हरा रंग, ग्रीन। क्वेश्चन नंबर आपका 30 जो है कि 4 है, ये दोस्तों कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो ये तो आप सभी जानते हैं हाउ मैनी कलर्स इन इंद्रधनुष। तो इसका राइट आंसर आपका 34 का हो जाएगा आपका 7। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 है, ये कह रहा है कि शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं, यानी कि विच कलर हैव कूल इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नीला हरा। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि चिकनकारी किससे संबंधित है, यानी कि चिकनकारी इज रिलेटेड विथ। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वस्तुकला। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि विरोधी रंग का कौन सा है, यानी कि विरोधी रंग कौन सा है, यानी कि विच वन ऑफ अपोजिट कलर्स। क्वेश्चन नंबर आपका 37 का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि लाल हरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 38 कह रहा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ रस। सो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि दोस्तों 9 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और ये आपका 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि जय मंगला किसके द्वारा लिखी गई, यानी कि जय मंगला इज रिटन बाय। तो 39 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ए, वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 है 40वां कि वास पेंटिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, यानी कि 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा आपका सी, जो है कि अवनींद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, कह रहा है कि कला शब्द किस भाषा से आता है, यानी कि 41 नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो है कि हो जाएगा आपका डी।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं जो भी इस पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ दोस्तों, ये काशी विद्यापीठ के दोस्तों ऑफिशियल आंसर की के थ्रू करा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर एक दुक्का जो है क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो आप अपने हिसाब से देख करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हालांकि दोस्तों, हम ये ऑफिशियल आंसर की के थ्रू ही इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करा रहे हैं। ओके दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरह मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका जो है 42 कह रहा है कि काम सूत्र के द्वारा कितनी कलाएं बताई गई हैं, यानी कि हाउ मेनी कला हैज़ बीन टोल्ड बाई काम सूत्र। सो 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि 64। क्वेश्चन नंबर जो है 43 ये कह रहा है दोस्तों कि नाट्य शास्त्र के लेखक है, यानी कि दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भरत मुनि। ओके, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की तरह मूव करते हैं। और ये 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं, यानी कि हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ सरफेस ऑफ आर। सो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी, अभिनव गुप्ता। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 46 है, ये कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर संबंधित है, यानी कि इसका जो है विष्णु धर्मोत्तर इज रिलेटेड विथ। सो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि चित्रकला। क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट होगा आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 47 कह रहा है कि सड़ंग किसके द्वारा संबंधित है, किससे संबंधित है, यानी कि सड़ंग इज रिलेटेड विथ। तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बी, चित्रकला ये भी है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 कह रहा है कि लाल रंग किसका प्रतीक है। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप सब जानते हैं प्रेम यानी कि लव का प्रतीक है रेड कलर, ये सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है, यानी कि विच पेंसिल इज़ द हार्डेस्ट। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, यानी कि एच। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 50 ये कह रहा है किस रंग के मिलाने से ग्रे कलर बनता है। सो क्वेश्चन नंबर आपका 50 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि काला और सफ़ेद को आप मिलाएंगे तो ग्रीन कलर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय चित्र सड़ंग के सूत्राधार कौन है, यानी कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन आर्ट सदंग। सो क्वेश्चन नंबर आपका 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि यशोधर। क्वेश्चन नंबर 52 और ये कह रहा है कि प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है, यानी कि विच वन ऑफ द सिम्बॉलिक कलर ऑफ फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, हरा। क्वेश्चन नंबर 53 कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है, विच कलर नोन्स नॉलेज। सो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि नारंगी ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 54 ये कह रहा है कि सौंदर्य क्या है, यानी कि व्हाट इज सौंदर्य। तो 54 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर डी आएगा, रस निष्पंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है और ये दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है या कथन किसका है, यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यानी कि रश्किन। क्वेश्चन नंबर 56 और ये कह रहा है कि भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है, यानी कि व्हाट इज द कलर ऑफ साइकिल यूज इन इंडियन फ्लैग्स। दोस्तों ये तो आप सब जानते हैं नेवी ब्लू ही है। 56 नंबर क्वेश्चन का ये आपका बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये दोस्तों कह रहा है कि आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्परा तकनीक का माध्यम, यानी कि मीडियम ऑफ टेम्परा टेक्निक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और ये कह रहा है कि 58 की सम्रांगण सुधार के लेखक कौन, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ सम्रांगण सुधार। शो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका जो है कि डी, सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है 59 की सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है, यानी कि विच क्लॉथ इज़ यूज इन सेरीग्राफी। तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि सिल्क का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 60 यानी कि 60वां कह रहा है हीटर और स्टोव का प्रयोग होता है, यानी कि हीटर एंड स्टोव यूज इन। सो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बटिक। क्वेश्चन नंबर आपका 61 कह रहा है कि
टेक्सचर क्या होता है, व्हाट इज टेक्सचर, तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ए, धरातल का गुण। क्वेश्चन नंबर आपका जो है दोस्तों 62 है, कह रहा है कि चारकोल बनता है, तो ये दोस्तों जो चारकोल बनता है ये आपका 62 का राइट आंसर होगा, आपका डी होगा यानी कि चीड़ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, ये कह रहा है कि किस वेद में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, दोस्तों सर्वप्रथम जो कला शब्द का प्रयोग किया गया है वो आपका हो जाएगा ऋग्वेद में किया गया है। ओके, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 64 को कराने से पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए बात है, और वो इम्पॉर्टेंट दोस्तों बात ये है कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, यानी कि दोस्तों अगर आप इस पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सिंपल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे दोस्तों आपको DNS का व्हाट्सअप नंबर मिलेगा दोस्तों, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके दोस्तों आप इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरह मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि दोस्तों 64 है, और ये कह रहा है कि चित्रकला में कितने तत्व होते हैं, यानी कि 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी आएगा, यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 65, ये कह रहा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, यानी कि दोस्तों आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि अष्टाध्यायी के रचयिता, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और जनरल क्वेश्चन है, तो इसका पाणिनि होगा आंसर, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ए वाला, यानी कि 8 अध्याय, यानी कि 8 चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 कह रहा है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, यानी कि हाउ मेनी केव्स इन अजंता, सो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर आपका होगा बी वाला, 30 गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 69, ये कह रहा है कि एलिफेंट गुफा अवस्थित है, यानी कि एलिफेंट केव इज सिचुएटेड इन, सो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी, जो है कि धारापुरी। क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 17वां है दोस्तों, ये कह रहा है कि किसने बनी ठनी चित्र बनाया, यानी कि दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको सीधा राइट आंसर बता दूं, इसका होगा सी, यानी कि निहाल चंद्र ने बनाया था बनी ठनी चित्र। क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, ये दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मृतकों का टीला, ये दोस्तों आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है वो दोस्तों आपका कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर अवस्थित है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 कह रहा है कि अल्तामीर गुफा कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि स्पेन। देखिए दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूँ कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए, और दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले में, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 74 कह रहा है कि क्रोध का प्रतीक रंग कौन सा है, ये दोस्तों लाल ही होता है, आप सभी जानते ही हैं, काफ़ी आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि एलिफेंट में कुल कितनी गुफाएँ होती है, एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएँ हैं, दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, यानी कि 34। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरह मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, और ये कह रहा है कि धर्मों की त्रिवेणी कौन है, यानी कि 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बी, एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 77 कह रहा है कि राष्ट्रीय संग्रहालय अवस्थित है, नेशनल म्यूजियम इज सिचुएटेड इन, सो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा आपका डी, यानी कि दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, और ये कह रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, जैन। क्वेश्चन नंबर आपका 79 ये कह रहा है कि जोगीमारा गुफाएं प्रसिद्ध हैं, तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ए, भीली चित्र। क्वेश्चन नंबर 80 का कह रहा है दोस्तों कि जोगीमारा गुफाएँ कहाँ अवस्थित है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी, यानी कि छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 ये कह रहा है कि हुमायूं नामा के लेखक दोस्तों कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा गुलबदन बेगम, यानी कि हुमायूं नामा इज रिटन बाय जो है गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुगलक नामा के रचयिता हैं, तो दोस्तों तुगलक नामा इज रिटन बाय, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी, यानी कि अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका जो है 83 है, ये कह रहा है कि राजपूत पेंटिंग किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि राजपूत पेंटिंग इज रिटन बाय, तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा ये सी, अमृत शेरगिल। क्वेश्चन नंबर आपका
84 कह रहा है कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा यानी कि मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर आपका 85, ये दोस्तों कह रहा है कि देवगढ़ के जो है दशावतार मंदिर को किस राजवंश ने बनवाया दोस्तों, 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा सी गुप्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86 है, कह रहा है कि देवगढ़ मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा यानी कि विष्णु को। क्वेश्चन नंबर आपका 87, और ये कह रहा है कि तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि बृहदेश्वर मंदिर अवस्थित है दोस्तों, यानी कि बृहदेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन, सो 87 नंबर क्वेश्चन का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि तंजौर। क्वेश्चन नंबर जो है 88 कह रहा है कि तेलीका मंदिर कहाँ अवस्थित है, क्वेश्चन नंबर 88 राइट आंसर होगा डी। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट लेना है दोस्तों, तो आप सिंपल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए दोस्तों, और हमारे पास 1 से 2 सालों के अगर पेपर्स मौजूद रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, तो वो भी आपको दिए दिए जाएंगे DNS के व्हाट्सएप के थ्रू। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो DNIT स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों काशी विद्यापीठ से लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप एडमिशन प्रोसेस की बात आएगी, अभी दोस्तों काउंसलिंग की बात आएगी दोस्तों, तो सभी से रिलेटेड आपको वीडियो DNS पे जो है कि दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 89 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक मंदिर निर्माण शैली नहीं है, तो 89 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा डी यानी कि मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90 कह रहा है कि पंचायत शैली का संबंध है, अब दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा यानी कि मंदिर निर्माण। क्वेश्चन नंबर आपका 91, ये दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई, तो 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा 1997। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, कह रहा है कि धर्मचक्र प्रवर्तन संबंधित यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन इज रिलेटेड विद, तो क्वेश्चन नंबर आपका 92 का राइट आंसर आपका होगा ई बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों है कि 93, ये कह रहा है कि जगन्नाथ सभा किस गुफा में अवस्थित है, तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बी यानी कि एलोरा। क्वेश्चन नंबर आपका 94 कह रहा है दोस्तों कि कैलाश मंदिर उदाहरण है यानी कि कैलाश टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो क्वेश्चन नंबर आपका 94 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों, 95 जो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम मंदिर का निर्माण किस शैली में होगा, तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नागर। क्वेश्चन नंबर आपका 96 कह रहा है कि राम मंदिर का डिज़ाइन किस वर्ष पास किया गया था, यानी दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि दोस्तों 96 का राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि करतारपुर साहिबा गुरुद्वार किस नदी के तट पर है अवस्थित है, दोस्तों 97 नंबर जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बी रावी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सतीश गुजराल संबंधित थे यानी कि सतीश गुजराल वाज रिलेटेड विथ, तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ए ठीक है भीती चित्रण से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका नेक्स्ट है और ये आपका 99 है, ये कह रहा है कि फिल्म द साइलेंट इरोजल किस कलाकार के ऊपर आधारित है, यानी कि 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा यानी कि बद्रीनाथ आर्य। क्वेश्चन नंबर आपका 100 दोस्तों है, लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जादो पाटिया लोक कला संबंधित यानी कि जादो पाटिया फोल्क आर्ट इज रिलेटेड विथ, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी यानी कि झारखंड। तो दोस्तों ये तो रहा पेपर का सलूशन, अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 सालों के पेपर और भी कराए जाएँ, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा।